वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपका अपना फ़ैन दीपू केडी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी एक लॉन्ग राइड पर जाने वाला हूं, तो आज वो बहुत बढ़िया स्पेशल डे है मेरे लिए। तो मैं आज जाने वाला हूं दिल्ली से केदारनाथ, जो कि काफ़ी लंबी राइड होने वाली है। और ये राइड हम करने वाले अपनी SV125 के पास ऊपर, और ये राइड करने वाले हम SV125 के ऊपर। तो ये खड़ी है SV125, और इस पे हम पिलियन राइड करने वाले हैं, सिंगल राइड नहीं करेंगे। और तो ये जा रहे हैं हमारे साथ रोहित, ठीक है गाइस। तो बस जर्नी शुरू करते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें। और बाकी मौसम तो देख ही सकते हो आप कितना ख़तरनाक हो रखा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, बारिश वाला हो रखा है। तो पता नहीं बारिश कब शुरू हो जाए, तो जल्दी से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और बस, और तो अभी अपनी SV125 फर्स्ट लॉन्ग राइड में, मतलब ये सेकेंड लॉन्ग राइड है। एक बार मैं हरिद्वार भी इसको लेके गया था, तो वो वीडियो मैंने नहीं बना पाई थी, मतलब मैं ये सावन के टाइम पे गया था, तो वो वीडियो मैंने बना नहीं पाई थी। तो अभी फाइनली अपनी धन्नो को लेके जा रहे हैं हम लॉन्ग राइड पे SV125 को। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड पे। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर श्री केदार का नाम शुरू करते हैं अपनी जर्नी फाइनली, ठीक है गाइस। जय भोलेनाथ। तो बस चलते हैं अपनी धन्नो को लेके, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये दिल्ली की साइड से नहीं जा रहे हैं, मतलब दिल्ली होते हुए छोटे हरिद्वार होते हुए नहीं जा रहे हैं हम इधर से, अब मतलब हरियाणा होते हुए जा रहे हैं, सोनीपत पानीपत होते हुए अपनी धन्नो को लेके, ठीक है गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ। मैं दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश तो काफ़ी बार कर आया, जिसकी मैं वीडियो भी डाल रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन में भी आ रहा होगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आगे, और एक बार इसका गूगल मैप लगा देते हैं, क्योंकि मेरे को इधर का रूट पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ की तरफ निकलेगा ये रूट, तो गूगल मैप लगा देते हैं। तो अभी यहाँ से हम पहले पहुँचेंगे हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा माता में नहाएंगे, ठीक है गाइस। और फिर इसके बाद आज का हमारा स्टे होने वाला है ऋषिकेश के अंदर, तो नेक्स्ट डे हम निकलेंगे वहाँ से केदारनाथ सोनप्रयाग के लिए, ठीक है गाइस। और बाकी ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे हम देखते हैं, कहीं भी हाईवे हाईवे पर रुकते हैं तो आपको बताएँगे सारी चीज़ें। तो इन्जॉय करें आप वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। हमने चाय नाश्ता कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है हमारा। तो मुजफ्फरनगर हम पहुंचने वाले हैं, 5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से मुजफ्फरनगर की। और टाइम बता देता हूँ, 9:25 हो गया है, हम कम से कम आधे घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तो बाइक को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, तो बस निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, और बाकी सारी बातें मोटो ब्लॉगिंग में करेंगे। तो निकलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है गाइस, बने रहे वीडियो में। बैठ भाई। तो गाइस बस अभी हम निकल रहे हैं अपनी आगे की जर्नी, करते हैं कंटिन्यू। तो अभी हम इधर है समौली, एक मिनट मेरे को, क्योंकि रास्ता पता नहीं, मैं गूगल मैप का सहारा लेऊंगा, गूगल मैप लगा लेता हूं। तो यहां से 85 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है हमारा हरिद्वार तक का। तो अभी हम मुजफ्फरनगर से 5-6 किलोमीटर पीछे ही हैं,
ठीक है गाइस, तो अभी सीधा निकलते हैं हम जल्दी से अपनी जर्नी की तरफ। और चाय नाश्ता हमने कर लिया है क्योंकि चाय बहुत ही अच्छी थी भाई, कुछ भी गौत चाय बहुत बढ़िया बनाई थी भाई ने। और तो यहाँ से हम मतलब 2-2.5 घंटे में कवर कर लेंगे, आराम आराम से चलाएंगे, ज़्यादा हमें भगानी नहीं है अपनी बाइक। और हम वहाँ पे कम से कम 35-40 मिनट के आसपास वहाँ बैठे होंगे हम। वहाँ हम आ गए थे 8:50 के आसपास आ गए थे हम वहाँ पर बैठे रहे हम। अभी 9:30 बज गया, 9:36 हो रहा है। और बस मिलते हैं अब सीधा हरिद्वार में, ज़्यादा बातें ना करते हुए। मैं इसीलिए इस वीडियो को इतना शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब दिल्ली से ऋषिकेश हरिद्वार सब की वीडियो डाल चुका हूँ मैं पहले। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है गाइस। क्योंकि मेरे पास जो स्प्लेंडर प्लस थी उस पर मैंने ये राइड कंप्लीट कर रखी है। और तो ये फर्स्ट टाइम है मैं अपनी SP125 के ऊपर जो राइड कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ। वैसे तो सेकंड टाइम है इसका, मैं एक बार हरिद्वार लेके आया था अभी सावन में ही जब कावड़ यात्रा चल रही थी, और तो मैं उस समय पर वीडियो नहीं बना पाया कुछ रीज़न की वजह से। और बाकी बस चलते हैं, अभी देखते हैं, अगर कहीं रुकते हैं तो दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें, चेक डिटेल बताते रहेंगे जो भी है, और नहीं तो सीधा हरिद्वार में मिलेंगे आपको, ठीक है गाइस, बने रहें ब्लॉग में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के अंदर, एंट्री कर चुके हैं हम, मतलब 4-5 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो अभी हरिद्वार में आ चुके हैं हम, और बाकी हर की पौड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर के अराउंड होगी अभी, ठीक है। तो पहुँचते हैं हर की पौड़ी में फटाक से, नहाते हैं और फिर इसके बाद निकलते हैं ऋषिकेश का। तो आज का हमारा स्टे होगा ऋषिकेश में, जिस भाई को नहीं पता है तो बता दूं मैं, हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी दिल्ली से हरिद्वार की। तो अभी हम जाने मतलब जाने वाले इस जर्नी में, केदारनाथ तक की जर्नी है ये हमारी कंप्लीट। तो बाकी अभी हम पहुँचे हैं हरिद्वार, 5-6 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुँचे हरिद्वार। तो हमने कहीं अभी खाना भी नहीं खाया, चाय बस नाश्ता करा था हमने हल्का सा, और बाकी सारा यहीं अब करेंगे हम हरिद्वार के अंदर। और बाकी जो भी आगे की डिटेल होगी सब बता दूंगा मैं आपको। ये देखो हर की पौड़ी 3.8 किलोमीटर की यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो। तो चलो पहुँचते हैं फाइनली जल्दी से हर की पौड़ी पे, फिर आगे दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। तो ये सामने है मतलब हाईवे से लगी हुई है पार्किंग, आप मैं दिखा देता हूँ अंदर चल के। तो अभी हम हर की पौड़ी घाट के पास आ गए हैं, ये सामने है हर की पौड़ी घाट, और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है गाइस। तो पार्किंग राइट साइड में है, ये पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा दिया इन लोगों ने। तो ये है इधर पार्किंग, देख के तो भैया बैक कर लो। ओ यार पता नहीं कैसे कैसे लोग गाड़ी चलाते समझ में नहीं आता। और ये है सामने है बाइक की पार्किंग, इस तरफ भी है और लेफ्ट। तो ये है सामने बाइक पार्किंग, और लगाते हैं यहाँ पे अपनी बाइक। कहाँ पे लगानी है भैया, क्या चार्ज है बाइक का पार्किंग का? 40 रुपये। इधर लगा देता हूँ। और फाइनली मैंने रेट भी बता दिया आपको, 40 रुपये बाइक की पार्किंग का चार्ज है। और यार उस बंदे ने एकदम से बैक कर दी, मैं पीछे से निकाल रहा था गाड़ी, पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, ठीक है गाइस। तो अभी हम अपना सामान वामान लगेज वगैज खोलते हैं और जाते हैं नहाने के लिए हर की पौड़ी घाट पे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं सीधा हर की पौड़ी घाट पे अपनी। तो बाइक हमने पार्किंग पर लगाई दी है। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ पैदल पैदल चल के, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है तो थोड़ा इग्नोर करना गाइस। और बाकी बिल्कुल ऊपर दिख रहा होगा तो आपको, वो सामने मनसा देवी मंदिर है,
और बाकी अभी चल रहे हैं हम सीधा सीधा, तो अभी चलते हैं आगे जहां हम नहाएंगे और देखते हैं घाट कहां पे खाली है, वहीं पे नहाएंगे जाके, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो रही है। वैसे क्राउड दिख ही रहा होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और बाकी एक भाई ने कमेंट भी करा था कि दोबारा मतलब हरिद्वार जाओ आप, तो अपनी मैं होंडा एस पी 125 को लेकर दोबारा हरिद्वार आ गया हूँ। उस भाई का कमेंट यहाँ पे आ रहा होगा, शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। ठीक है गाइस, और बाकी दिखाते हैं नहाते हुए वीडियो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेन घाट पे जहां गंगा आरती होती है, तो चले चलो दिखाता हूं सारी चीज़ें। तो ऊपर चढ़ता हूं मैं पहले, तो ऊपर चल भाई। ये रहे टेंपल, गंगा जी टेंपल है, ये है मेन यहाँ का जो भी है। ठीक है गाइस, तो ऊपर वो मनसा देवी का मंदिर दिख रहा होगा आपको। तो बस हरिद्वार में कुछ नहीं है ज़्यादा खास, बस नहाने के लिए श्रद्धालु बहुत ज़्यादा ऑन लिमिट में आते हैं। मतलब ये है, यहाँ पे होती है शाम को आरती, देख सकते हो आप फाइनली। फाइनली गाइस, हमने नहा लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, कपड़े चेंज करके अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइस, और तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बाकी आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम निकलेंगे और बाकी खाना भी खाना है, अभी हमने खाना नहीं खाया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।